श्रीनाथ समूह और विप्र सेना जिला अध्यक्ष और बजरंग सेना प्रदेश महामंत्री सुनीता शर्मा, सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष एवं सर्व समाज महिला संगठन चित्तौड़गढ़ की संयोजिका रश्मि सक्सेना और समूह सदस्य पूजा तंबोली द्वारा चित्तौड़गढ़ SP प्रीति जैन का मिठाई खिलाकर और उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। साथ ही श्रीनाथ समूह द्वारा बनाए गए डेकोरेशन के आइटम भेंट करके जानकारी दी। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में SP प्रीति जैन को अवगत कराते हुए बताया, आज चित्तौड़गढ़ की आम महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं और ये प्रोडक्ट भारत और भारत के बाहर विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। होली, दीपावली और भी कई त्योहारों पर उपयोग में लिए जाने वाले सामान चित्तौड़गढ़ की महिलाएं बनाकर अपना नाम और अपनी पहचान बना रही हैं। श्रीनाथ समूह की आम महिलाएं हर बल्ब, गुलाल और दीपावली के आइटम और भी कई त्योहारों पर काम में आने वाले आइटम जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर बनाता जा रहा है। इसमें करीब 40 से ज्यादा परिवार रोजगार पा रहे हैं। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दीर्घोष कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। मैं सुनीता शर्मा, श्रीनाथ स्वयं सहायता समूह से और बजरंग सेना प्रदेश महामंत्री। चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से हमारे जो कई स्तरों पर जो हमारे द्वारा कार्यकाल और हमारे जो कार्य किया गया, उसके बाद जो हम समाज सेविका के नाते हमने चित्तौड़गढ़ में जो हमारी SP और IPS जो मैम प्रीति जैन आई, उसी का आज हमने स्वागत किया। और स्वागत करने के साथ साथ हमने महिलाओं पर जो आत्मनिर्भर और जो सामाजिक संगठनों के से जुड़कर जिस तरह से महिलाओं को लाभ देने और उनको जो चीज़ों की मुआया और जो जानकारी देनी चाहिए वो जानकारी देने के साथ मैम प्रीति जैन मैम को हमने ये अवगत कराया। और साथ ही हमारे जो कुछ बनने वाले आइटम हैं, जैसे बांदरवाल हो गई और कई ऐसे हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम है, वो हमने उनको भेंट किया और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। और चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से कार्य प्रणाली जो उनके आने वाले महिलाओं पे जो शोषण और कई चीज़ों पे काम होंगे उस पे आने वाले समय के लिए मैंने जानकारी भी दी और अवगत कराया। और महिलाओं पे होने वाले कार्यों में मैम ने आश्वासन दिया कि हम आगे रहकर इन महिलाओं के बढ़ते जो कार्यकाल है उसमें हम जिस प्रकार से हो सके महिलाओं पे आगे काम करेंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे चित्तौड़गढ़ में SP पद पर पहली बार एक महिला पद ग्रहण किया है, महिला ने पद प्रभार ग्रहण किया। उसमें हमें बेहद खुशी है कि महिलाओं के जो आवाज़ होती है जो बुलंदियों पे नहीं थी, लेकिन अब वो चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से महिला पदभार संभाल रही है उसमें हमारे चित्तौड़गढ़ की जो वीर भूमि कहा जाता है उस पर पहली ऐसी महिला है जो SP पद पर है। और हमें बेहद दिल से खुशी है और मैं महिलाओं को साथ उनके शुभकामनाओं के साथ मैम को शुभकामनाएं दूँगी।